हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है वो देखते हैं आज हम। वोमिटिंग इज ए सिम्टम्स विच मे बी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी और मे बी मैनिफेस्टेशन ऑफ सम मेडिकल एंड गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन विच कैन अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मीन्स क्या होता है कि वोमिटिंग एक सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी का, और ये कुछ मेडिकल, सर्जिकल या फिर गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन के कारण भी हो सकती है, ठीक है, ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मीन्स एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम पीरियड में कभी भी ये हो सकती है अगर वुमेन को कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो। ठीक है, अब देखते हैं हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम की डेफिनेशन। हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर नोजिया एंड इंट्रैक्टेबल वोमिटिंग सफिशियंट टू इंटरफेयर विद मैटरनल न्यूट्रिशन कॉजिंग डिलीटीरियस इफेक्ट ऑन हर हेल्थ। इट डिस्टर्बेंस हर फ्रॉम डूइंग हर डे टू डे एक्टिविटी। मीन्स इसका क्या मतलब होता है कि ये एक प्रकार का सीवियर टाइप होता है वोमिटिंग का, जो वुमेन की बॉडी में बहुत डेंजरस इफेक्ट दिखाता है और साथ ही साथ वुमेन की डे टू डे एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ रिस्क फैक्टर। इसकी वजह से क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है? वेट लॉस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, डिहाइड्रेशन, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लोरीमिया एंड हाइपोकैलीमिया। देन देखते हैं इसकी इटियोलॉजी। मेन इसमें हम क्या देखते हैं? हाइपोकैलीमिया। ठीक है, पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है इसमें। ठीक है, अब इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज नॉट नोन। एग्जैक्ट इटियोलॉजी अननोन होती है इसकी। देन इट इज़ मोस्टली लिमिटेड टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही लिमिटेड होती है। हाई एससीजी इन मल्टीपल और मोलार प्रेगनेंसी। एंड इसके कुछ हॉर्मोनल रीज़न भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि एचसीजी का लेवल बढ़ जाना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो होता है उसका लेवल हाई रहता है प्रेगनेंसी में, उस वजह से भी ये देखने को मिलता है। और लेकिन ये मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड मोलार प्रेगनेंसी में इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इस वजह से हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन अकर हो जाती है। ठीक है, और प्राइमी ग्रेविडा जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई है जो वुमेन, उसमें भी ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। देन बाद में उसकी सेकंड प्रेगनेंसी में ये सबसाइड हो सकती है। देन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन के कारण भी ये अकर हो सकता है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है कि जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है उसको रिलैक्स कर देता है, ठीक है, जिस वजह से कि वॉमिटिंग हो सकती है। एंड अपर जीआई डिसमोटिलिटी। जीआई डिसमोटिलिटी किस लिए होती है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो यूट्रस का साइज बढ़ता है, उस वजह से इंटेस्टाइन कंप्रेस होती है और डिसमोटिलिटी कॉज करती है। देन देखते हैं डाइट्री डेफिशिएंसी। डाइट्री डेफिशिएंसी में हम क्या देखते हैं कि कुछ विटामिन्स की कमी के कारण भी यह कंडीशन अकर हो सकती है, जैसे विटामिन B6, B1 एंड B12 की कमी से। ठीक है, देन देखते हैं इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, जैसे एच पाइलोरी की वजह से। देन जेनेटिक कंडीशन के कारण भी यह अकर हो सकती है, एंड कुछ फैमिली हिस्ट्री के कारण भी हो सकती है, जैसे वुमेन की मदर को या फिर सिस्टर को अगर
हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन हुई है तो उसको भी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम कैसे अकर हो जाती है। ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो अभी हम ने पढ़े हैं उनकी वजह से वुमेन को वोमिटिंग हो सकती है, और मेनली इसका कोज हार्मोन हो सकता है एससीजी का लेवल, जिसकी वजह से वुमेन को वोमिटिंग होती है। ठीक है, इट देन उसके बाद में इट लीड्स टू लॉस ऑफ एपेटाइट। तो वुमेन को वोमिटिंग होगी तो उसकी एपेटाइट में भी कमी आएगी और वो फूड भी कम इंटेक करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट स्टारवेशन, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी उसकी बॉडी में। देन डिक्रीज ग्लाइकोजन, इट लीड्स टू ग्लाइकोजन डिप्लीशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में बॉडी ब्लड में ग्लाइकोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। देन इट लीड्स टू ब्लड सेल यूज फैट फॉर फ्यूल एंड एनर्जी। ठीक है, देन इट लीड्स टू बर्निंग फैट मेक एसिड्स। ठीक है, जब फैट का यूज होगा एनर्जी प्रोड्यूस में तो उससे एसिड का फॉर्मेशन होगा एंड देन कीटोन बॉडीज भी ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन भी होगा एंड देन कीटोन बॉडी के कारण वॉमिटिंग अराइज होगी। देन देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। द पेशेंट इज यूजुअली प्राइमरी ग्रेविडा इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद इंसिडियस ऑनसेट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, जो पेशेंट प्राइमरी ग्रेविडा एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है उसमें ये नोजिया एंड वॉमिटिंग बहुत डेंजरस के साथ में ऑनसेट हो सकती है। एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग टेंड टू बिगिन 4 to 6 weeks एंड देन ये नोजिया वॉमिटिंग क्या है, प्रेगनेंसी के 4 to 6 weeks में स्टार्ट हो जाती है एंड 8 to 12 weeks पे ये पीक लेवल पे होती है। देन प्रेगनेंसी के 20 weeks पे ये रिजोल्व हो जाती है, बट इन सम वुमेन इट में भी कंटिन्यू, लेकिन कुछ वुमेन्स में ये कंटिन्यू भी रहती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स को सीवियरिटी के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सिम्टम्स, वोमिटिंग आर फ्रीक्वेंटली एंड प्रोलॉन्ग्ड एंड सीवियर। ठीक है, देन सेकंड है यूरिन क्वांटिटी डिमिनिश्ड इवन टू द स्टेज ऑफ ओलिग्यूरिया। ठीक है, वोमिटिंग के कारण फ्लूड लॉस होगा, तो फ्लूड लॉस के कारण क्या है कि यूरिन की क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। देन और कई बार ओलिग्यूरिया की स्टेज तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एपिगैस्ट्रिक पेन, नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन एंड कॉम्प्लिकेशन में अपीयर इफ नॉट ट्रीटेड। ठीक है, अगर इसको अर्ली लेवल पे ट्रीट नहीं किया गया तो और भी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती हैं। देन इसके साइन देखते हैं। अब साइन क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ड्राई कॉटेड टंग, सनकेन आई, एसीटोन स्मेल ब्रीथ। एसीटोन स्मेल ब्रीथ क्यों होती है, क्योंकि जो कीटोन बॉडीज वो ब्लड में खूब सारे कलेक्ट हो जाते हैं, इस वजह से एसीटोन स्मेल ब्रीथ होती है। टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, इन सम सीवियर केसेस वेट लॉस, कुछ सीवियर केसेस में वेट लॉस भी होता हो सकता है 5% पेशेंट्स में। इन सीवियर केसेस जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस भी इसमें अराइज हो सकता है। देन देखते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट है इसका हिमेटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल। हिमेटोलॉजी एंड बायोकेमिकल में क्या देखते हैं हम, राइज हिमेटोक्रिट लेवल, हिमेटोक्रिट का लेवल राइज होगा, एसजीओटी एंड एसजीपीटी का भी लेवल भी इंक्रीज होगा, राइज ब्लड
यूरिया एंड क्रिएटिनिन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा, जैसे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोक्लोरीमिया। देन नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन यूरिनलाइसिस करेंगे, जिसमें क्वांटिटी स्मॉल ओलिग्यूरिया, यूरिन की क्वांटिटी स्मॉल हो जाएगी, ठीक है, मतलब क्वांटिटी कम हो जाएगी यूरिन की, डार्क कलर यूरिन हो जाएगा, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्वांटिटी कम होने के कारण यूरिन की ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी। और डार्क कलर का यूरिन क्यों होगा, क्योंकि यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होंगी। देन एसिडिक पीएच, यूरिन का पीएच भी एसिडिक होगा, देन डिक्रीज क्लोराइड, क्लोराइड का लेवल डिक्रीज होगा यूरिन में। देन यूएसजी कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन करेंगे कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, ठीक है, और वो प्रेगनेंसी किस टाइप की है, मोलार प्रेगनेंसी है और मल्टीपल प्रेगनेंसी है। देन ईसीजी व्हेन देयर इज एबनॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, जो सीरम पोटेशियम लेवल एबनॉर्मल हो रहा है, जो जिसकी वजह से हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है, और हार्ट पर इफेक्ट पड़ने के कारण ईसीजी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट रिस्क ऑफ रेटाइनल हेमरेज एंड रेटाइनल डिटैचमेंट, ठीक है, और इसमें इस कंडीशन में पेशेंट के रेटाइनल हेमरेज एंड रेटाइनल डिटैचमेंट की रिस्क भी होती है, तो वो हम ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करके डायग्नोस करते हैं। देन है इसका डायग्नोसिस, फर्स्टली कंफर्म द प्रेगनेंसी, पेप्टिक अल्सरेशन, सीवियर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लीवर डिसफंक्शन, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, लीवर डिसफंक्शन में हम क्या देखते हैं कि चेंज इन मेटाबॉलिक, ठीक है, इनडाइजेशन जैसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। देन इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम क्या देखते हैं, पेशेंट में एंजाइटी एंड डिप्रेशन की कंडीशन, ठीक है। देन देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, देयर मे बी नो इफेक्ट इन माइल्ड टू मॉडरेट वॉमिटिंग, दिस वेरियस कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्व रेयरली इन हाइपर इमेसिस। कॉम्प्लिकेशन जो माइल्ड टू मॉडरेट वॉमिटिंग होगी उसमें तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो सीवियर अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा, ठीक है, लीवर डिसफंक्शन, रिनल एबनॉर्मेलिटी, स्ट्रेस अल्सर इन स्टमक, ठीक है, वही पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, एंड इसोफेगियल रप्चर भी हो सकता है, एंड कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू विटामिन्स, विटामिन्स की कमी से भी हमको कई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि थायमिन की डेफिशिएंसी से हम क्या देखते हैं कि वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी में क्या देखते हैं, पेशेंट रेस्टलेसनेस, स्लीपीनेस एंड कन्वल्जन एंड मेंटल एपैथी या कोमा जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। एंड देन विटामिन B6 एंड B12 डेफिशिएंसी से क्या होगा, पेरिफेरल न्यूराइटिस, एंड विटामिन K की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड पोन्टाइल माइलिनोसिस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस से हम क्या देखते हैं कि पोन्स का डीमाइलिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देन देखते हैं इसका प्रिवेंशन, कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कि जो प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग होता है, उसको हम टाइमली और इफेक्टिवली अगर उसका मैनेजमेंट कर लेते हैं तो ये सीरियस कंडीशन में जाने से बच सकते हैं। देन इसका देखते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू कंट्रोल वॉमिटिंग, वॉमिटिंग को कंट्रोल करना है, टू करेक्ट द फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस टाइमली एंड इफेक्टिवली,
ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूड एंड अदर मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस जो हुआ है उसको टाइमली एंड इफेक्टिवली करेक्ट करना है। देन अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली मैनेजमेंट ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती हैं जैसे कि लीवर डिसफंक्शन है ना, रिनल डिसफंक्शन है, इस ऐसी कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, तो उनको अर्ली डिटेक्ट करके और उनका टाइमली मैनेजमेंट करना है। देन रीअश्योरेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम डॉक्टर, मिडवाइफ एंड फैमिली, ठीक है, उस वुमेंस को सपोर्ट देना है डॉक्टर्स के द्वारा, मिडवाइफ के द्वारा, नर्सिंग स्टाफ के द्वारा एंड फैमिली के द्वारा, ठीक है। देन फ्रीक्वेंट स्मॉल डाइट आर एडवाइज, उसको फ्रीक्वेंटली स्मॉल डाइट देनी है, एक साथ में खूब सारा खाना नहीं देना है उसको, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसको डाइट देनी है। इफ़ देर इज नो रिलीफ ड्रग आल्सो बी स्टार्टेड, अगर इन सब से उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है देन ड्रग्स स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, फ्लूड्स, क्योंकि इसमें फ्लूड का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो हम पहले फ्लूड का रिप्लेसमेंट करेंगे। तो इसमें ओरल फीडिंग इज विद हेल्ड फॉर द एटलीस्ट 24 आवर आफ्टर द सीजेशन ऑफ वॉमिटिंग, तो अगर सीवियर वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें क्या करेंगे हम, ओरल फीड उसको विद होल्ड कर देंगे एक बार, ठीक है। और कब तक करेंगे कि वॉमिटिंग जब तक रुक ना जाए, रुक जाएगी जब तक वॉमिटिंग, उसके 24 आवर बाद तक हम फीड को, ओरल फीड को विद होल्ड कर देंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्लूड इज गिवन थ्रू आईवी ड्रिप, और इस पीरियड में फ्लूड आईवी ड्रिप के द्वारा ट्रांसफ्यूज करेंगे। आप देखते हैं कि जो फ्लूड हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसको कैसे ट्रांसफ्यूज करना है, उसकी कितनी अमाउंट हमें रखनी है इन 24 आवर्स में, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूड होगा अप्रोक्सीमेटली वो 3 लीटर के आसपास होगा, तो उसका हाफ जो होगा वो 5% डेक्सट्रोज लेंगे एंड सेकंड हाफ होगा वो रिंगर लैक्टेट होगा, ठीक है। और उस फ्लूड को 24 आवर में ट्रांसफ्यूज करना है एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 5% डेक्सट्रोज इक्वल टू आउटपुट इन 24 आवर वॉमिटस एंड यूरिन, जो 24 आवर्स का जो आउटपुट है मतलब वॉमिटस या यूरिन के थ्रू जो भी आउटपुट हुआ है पेशेंट का, उसके इक्वल में ही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 5% डेक्सट्रोज भी ट्रांसफ्यूज करना है, ठीक है। देन देखते हैं ड्रग्स कि हम ड्रग्स कौन कौन सी देंगे पेशेंट को। फर्स्ट है एंटी इमेटिक्स ड्रग्स, प्रोमेथाजिन या फिनार्गन 25 mg और प्रोक्लोर पेराजिन स्टेमेटिल 5 mg और ट्राइफ्लू प्रोमाजिन या सिक्वेल 10 mg, ठीक है। इनको देना है बीडी या टीडीएस यानी ट्वाइस ए डे या ट्राइस ए डे थ्रू आई एम रूट, इंट्रा मस्कुलर रूट, ठीक है। देन ट्राइफ्लू पेराजिन एस्प्राजिन 1 mg बीडी आईएम, ठीक है। इट इज़ पोटेंट एंटीमेटिक थेरेपी, ये एक पोटेंट एंटीमेटिक थेरेपी है। मेटाक्लोर प्रोमाइड स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी, ठीक है। जो मेटाक्लोर प्रोमाइड है वो गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी और इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी को स्टिमुलेट करती है और सिक्रीशन को स्टिमुलेट नहीं करती है, ठीक है, सिक्रीशन का प्रोड्यूस नहीं करेगी। एंड नेक्स्ट हाइड्रोकोर्टिजोन, हाइड्रोकोर्टिजोन भी देंगे हम 100 mg आईवी इन ड्रिप गिव इन केस विद हाइपोटेंशन और इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, ओके। देन ओरल मेथड प्रेडनिसोलोन आल्सो यूज इन सीवियर केसेस। देन न्यूट्रिशनल सपोर्ट, तो पेशेंट में जो विटामिन की कमी हुई है, विटामिन B1, B6, B12 एंड विटामिन सी की जो कमी हुई थी उसको हम पूरा करेंगे न्यूट्रिशनल सपोर्ट के थ्रू। लाइफस्टाइल एंड डाइट चेंज, देन देखते हैं लाइफस्टाइल एंड डाइट चेंजेस में क्या करेंगे हम, अवॉइड ऑफेंसिव फूड एंड ऑर्डर एंड आयरन सप्लीमेंट। तो वुमेन को जो
ऑफेंसिव फूड एंड ऑर्डर वाले जो फूड हैं उनको उनको अवॉइड करने के लिए कहेंगे, और आयरन सप्लीमेंट को भी एक बार अवॉइड करने के लिए कहेंगे। ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, है ना, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देंगे पेशेंट को। हाई प्रोटीन लो फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट गिवन। ओके, आस्क हर टू टेक विच फूड लाइक हर, जो वुमेन को पसंद है वो जो उसको लाइक है वो फूड उसको देंगे, ठीक है। साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, अब इम्प्रूवमेंट के क्या क्या साइन हमको देखने को मिल सकते हैं। सब्सिडेंस ऑफ द वोमिटिंग, सब्सिडेंस द वोमिटिंग, फीलिंग ऑफ हंगर, बेटर लुक, ठीक है। वोमिटिंग सबसाइड हो चुकी है, ठीक है, ये देख सकते हैं हम कि भाई वोमिटिंग की सीवियरिटी भी कम हो गई है, ठीक है। फीलिंग ऑफ हंगर, पेशेंट को भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट बेटर लुक, अच्छा दिखने लग जाएगा पेशेंट, है ना। फिर डिसअपीयरेंस ऑफ एसीटोन फ्रॉम ब्रीथ एंड यूरिन, जो एसीटोन थे वो ब्रीथ में एंड यूरिन में डिसअपीयर हो जाएंगे। देन नॉर्मल पल्स बीपी, देन वाइटल, पेशेंट के वाइटल साइंस सब नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल यूरिन आउटपुट, आउटपुट भी पेशेंट का नॉर्मल हो जाएगा। देन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इस कंडीशन में हम प्रेगनेंसी को कब टर्मिनेट कर सकते हैं। इट इज़ रेयरली इंडिकेटेड, इट इज़ एडवाइस इन अर्ली सीवियर, एडवाइस इन वेरी सीवियर केसेस, मे बी कंसिडर विद रीनल एंड और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हो गई है, सीवियर केस में है, मतलब जैसे कि पेशेंट को साथ में रीनल या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी है, उस कंडीशन में ये हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम अकर हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की भी एडवाइस पेशेंट को दी जाती है, ठीक है। थैंक यू।